लड़कियां होती है तो लड़की अगर पैदा हो गई घर में तो समझ लो कि घर के लोगों का मुंह बन जाता है। लोग कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ, बिटिया हो गई, बड़ा खुश हूँ, लेकिन अगर दिल को काट के अगर पढ़ने की कहीं कोई तरकीब होती तो उसमें यही लिखा होता कि एक और बेटा चाहिए, पांच बेटे तभी छठा बेटा ही चाहिए। जिंदगी की दुखा दास्तान है लड़की और लाश के साथ दफनाई समान है लड़की। जैसे लाश के साथ हम लोग उसको दफना देते हैं, जिंदगी फिर उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। तो जिंदगी की दुखा दास्तान है लड़की और लाश के साथ दफनाई समान है लड़की और बुझे दिए से रोशनी की तलाश करती है। ये जितने लोग पढ़ रहे हैं इनको पता नहीं है कि कल कब इनकी शादी हो जाएगी। 99% लोगों की बता रहे कब हो जाएगी, ज्यादा मैं बोला पटक दे बता देना। मैं बहुत गुस्सा टाइम पर टीचर हूँ, ठीक है, कायदे में रहो फिर सही है, कायदे से बाहर जाओगे तो 24-25 तुम क्यों बता रहे हो, तुम तुझे इनके माता पिता को बताओगे तो 24-25 लोगे। देखो सुधार जाओ, अब नहीं सुधरोगे फिर क्लास से बाहर जाओगे, ये समझ लो। मैं दूसरे टाइप का आदमी हूँ, प्यार बहुत करता हूँ, नफरत किसी से नहीं करता, लेकिन मैं न्याय बहुत करता हूँ, ये भी समझ लो। ये आप बोला करिए किसी को, आप ना तो आप क्लास में किसी बच्चे को बोला, लड़के में किसी लड़की को, आप क्यों मत बोल रहे हो? अरे क्यों बोलोगे यार, किसी को हर्ट कर सकता है पहले समझो, ठीक है। जिंदगी की दुखा दास्तान है लड़की और लाश के साथ अपना ही सामान है लड़की और बुझे थे सही रोशनी की तलाश करती, क्योंकि देखो किसी लड़की को यह जानकारी नहीं होती कि कल मेरे साथ क्या होगा। घर परिवार के लोग भी हैं, जिस दिन अच्छा रिश्ता मिल जाएगा कहेंगे बिटिया जाओ, बहुत सारे पढ़ते पढ़ते लिखते मैं बच्चों को देखा हूँ कि जिंदगी बर्बाद होती। मैं भी चार बहनों का भाई हूँ, मेरी भी चार बहनें हैं, ठीक है, तो मैं अच्छी तरीके से इसको महसूस किया कि मैं जो चाहता था वो मिल जाता था, लेकिन बहनें चाहती थी उनको कभी नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो जिंदगी की दुखद दास्तान है लड़की, लाश के साथ दफनाई समान है लड़की और बुझे तीसरी मुफ्ती की तलाश करती और समाज के कायदे कानून पर कुर्बान है लड़की। समाज के सारे कायदे कानून लड़कियों के लिए बने हुए हैं, तो समाज के कायदे कानून पर कुर्बान है लड़की। जलती बुझती मरुस्थल की रेत से, जलती बुझती मरुस्थल वैसे से मरुस्थल का रेत होता है, उसकी स्पेसिफिक कैप्सिटी बहुत ज्यादा होती है, तुरंत गर्म तुरंत ठंडा। क्या होता कि कभी लड़कियों को बना देंगे तुम ही देवी हो, तुम ही देवता हो, तुम ही घर की मालकी हो, तुम ही सब कुछ हो, बेचारी से एक गलती होने गई कि समझ लो कि जीवन भी खराब हो गया। अगर कोई लड़की जाके कह दे अपने घर वालों से कि मुझे आज प्रॉब्लम हो किसी लड़के से, घर वाले 1000 पहले प्रश्न उत्तर करेंगे, तुम्हें को क्यों दिक्कत होती है? अरे छोड़ो बेटा, आप स्पेशल लड़की छोड़ जाने दो, ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सब की बात कर रहे हैं, उस लड़की की बात नहीं हो रही है जो एक कोई लड़की है, या पूरे समुदाय की बात हो रही है। आप लोग बहुत भाग्यशाली लोग हो, आपके माता पिता आपको भाई बहन सब पढ़ने के लिए भेज दिए, आप लोग बहुत भाग्यशाली लोग हो। हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो बच्चे चाह के भी ऐसा नहीं कर पाते। आपके माता पिता काफी प्रोग्रेसिव लोग हैं, आप उनको प्रणाम है मेरी तरफ से, क्योंकि भाई उन्होंने आपको पढ़ने के लिए भेज दिया, बहुत बढ़िया। ऐसी रोशनी की तलाश कर दी और समाज के कायदे कानून पर कुर्बान है लड़की। जल्दी बुझती मरुस्थल की रेत से और वर्षों से पुरानी जंगली खेत से, वर्षों से वीरानी जंगली खेत से, सदियों से मुक्ति मुक्ति चलाती, उत्तर वैदिक काल से करते आ रही है, बड़ी सेवा कर लिया हमने आप लोगों का, कभी माँ बन के कभी बहन बन के, है ना, कभी जो है हर रिश्ते में अगर लड़की कहीं पर है समझ लो जोतना जितना कुर्बानी देती है कोई देता नहीं, पिता भी करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, मैं कभी आपको कलाम साहब की कहानी सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि औरतें कितना कुर्बानी दिया करती किसी के लिए। तो सदियों से मुक्ति मुक्ति चलाती, हरदम फिर से बोल दे रहा हूँ कि जिंदगी की दुखा दास्तान है लड़की, लाश के साथ दफनाई समान है लड़की, बुझे दिए से रोशनी की तलाश करती और समाज के कायदे कानून पर कुर्बान है लड़की, है ना। जल्दी बुझती मरुस्थल की रेत सी, वर्षों से वीरानी जंगली खेत सी, सदियों से मुक्ति मुक्ति चिल्लाती और हरदम आंखों मिर्च लगाई है लड़की। जिंदगी का उसे पैगाम नहीं मालूम, जिंदगी का उसे पैगाम नहीं मालूम और रिश्ते रात के लिए हैं सो रिश्तेदारों के नाम। जिंदगी की का उसे पैगाम नहीं मालूम और रिश्ते रात के लिए हैं सो रिश्तेदारों के नाम नहीं मालूम। जिंदगी की अब उस पहली है लड़की और इस भीड़ भरे संसार में भी नितांत अकेली है लड़की, इस भीड़ भरे संसार में नितांत अकेली है लड़की। उसके दिल से होती है कसर, उसके दिल से होती है कसर, काश कोई तो उसे अपना कहता, उसके दिल से होती है कसर, काश कोई तो उसे अपना कहता, मुंह से कुछ भी कहे उसे दिल से अपना कहता। उसके
उसके दर्द का दरिया हरदम आंखों से झरता रहता, खुद दर्द में डूबी हुई, पर दुनिया के दर्द की दवाई है लड़की, दुनिया के दर्द की दवाई है लड़की। देखिए समाज ने इनके साथ में बहुत बुरा किया है, और जाहिर सी बात है समाज का दायित्व है कि अगर ये कुछ बुरा बोलती भी है तो उसको बर्दाश्त करें। मैं सीधी बात बोलता हूँ कि आजकल के कुछ लड़कियां बहुत बेतमीज टाइप की हो गई, तो मैं कहता हूँ कि आपने उनको बनाया था, क्योंकि आपने किसी आप किसी का शोषण कर 20 साल तक तो क्या करेगा, उनकी मजबूरी हो गई है कि आज अगर रूखे नहीं बोलेंगे तो आप सर पर चढ़ जाओ, इस जो करते चलो आधा।